नहीं करूंगी, बट आप इसका जस्ट कलर देखो कितना स्वीट है। ये एक छोटी सी प्यारी सी बहन के लिए है मेरी, सो ये उसके लिए है। एंड पूरा होता है हल्दी के रस्म के लिए, मैंने ये साड़ी पसंद की है। नॉन के लिए वहाँ से ही होता है, पता नहीं जो भी हो वो मैं, ये मेरे होने वाली भाभी के लिए है। जैसे पेटीकोट भी लेके रखी है अपनी भाभी के लिए, फोर कलर की, एक कलर, दो कलर तो उसके, उसको जो अच्छी वाली साड़ियाँ है उसके लिए, जो बनारसी साड़ी है उसके लिए ये दो, और ये मैंने ऐसे ही नॉर्मल खरीदा है क्योंकि येलो रेड लगता ही है, सो इसीलिए मैंने उसके लिए खरीद लिया है के लिए। हाँ, ये मेरी भाभी के लिए है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक साड़ी है येलो और पिंक के ऊपर, और ये साड़ी आपकी इसे कहते हैं कतान बनारसी, तो ये है कतान बनारसी, ठीक है, बहुत सुंदर है, और इसी तरीके की सेम शायद सेम ही प्रिंट की होगी। मैंने भी एक खरीदी है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये येलो कलर, तो शायद मुझ पर अच्छा नहीं लगे बट वो कलर एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अच्छा लगेगा, सो वो मैंने ली है, और ये अपनी भाभी के लिए। सबसे पहले मैं अपने भाभी की जो साड़ियाँ हैं, ब्लाउज़ है, वही सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने ब्लाउज़ भी सिलवा दी है हर एक चीज़ों के लिए, अभी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। ये है मेरी भाभी के लिए जो वो रिसेप्शन में पहनेंगी, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल बनारसी साड़ी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। कलर देखो, जस्ट कलर देखो इसका, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है ये साड़ी, बहुत। और इसका जो प्रिंट डिज़ाइन है ना, उसके नीचे में भी धागे थ्रेड का काम किया हुआ है, अगर आपको अच्छे से पता चल रहा होगा, बहुत सुंदर है ये साड़ी। तो ये है एक साड़ी, ठीक है, और ब्लाउज है इसका ये वाला, ये वाला ब्लाउज है, ठीक है। तो ब्लाउज को मैंने ऐसे सिलवाया है हाथों में इस डिज़ाइन का, ठीक है, क्या बोलते हैं मुझे वो पता नहीं है, बट मुझे मैंने अपने लिए भी ऐसे सिलवाया है, तो इसीलिए भाभी के लिए भी ऐसे ही सिलवाया है मैंने। ये रहा दोनों हाथों में, और बैक साइड में भी सेम डिज़ाइन, बैक साइड में भी सेम डिज़ाइन है। सो आप सब बताना कैसा लगा, ठीक है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बट हर एक की डिफरेंट क्या बोलते हैं उसे, पसंद नापसंद होती है, तो आप सब ज़रूर बताना। और डिज़ाइन भी आप देख लो, ये है पल्लू, और ये है इसका फुल डिज़ाइन, तो कैसा लगा ज़रूर बताना। इसका भी मैंने ब्लाउज पीस सिलवा लिया है, और ये है इसका ब्लाउज पीस, इसे मैंने नॉर्मल सिलवाया है, इसे इतना स्लीव रख के सिलवाया है। और मेरी मम्मी रिसेप्शन में क्या पहनने वाली है वो है ये है कांजीवरम साड़ी, फुल बॉडी में ऐसे गोल्डन और पिंक के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है, क्या है, ये है मम्मी का ब्लाउज। मेरी मदर इन लॉ के लिए जो साड़ी खरीदी थी वो उनके पास ही रह गया है, क्योंकि वो मैंने सिलवा के उनको वापस से दे दिया था, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। फिर हम आते हैं मैंने जो ख़रीदा है, वैसे तो बहुत सारी मैंने साड़ियाँ ऐसे खरीदी हैं क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ तो मुझे ज़रूरत होता है, तो इसीलिए कुछ साड़ियाँ मैंने उस पर्पज़ से ली हैं। ये भी एक साड़ी मैंने ली थी, ये बिल्कुल हैंडलूम में है, पूरा येलो है, और येलो के ऊपर ऐसे थोड़े थोड़े डिज़ाइन बने हुए हैं है मैंने। ये पार्टी गोइंग के लिए ठीक है, सो एक ऐसे साड़ी लिया है। मेरे पास पिंक कलर की और ग्रीन कलर की बहुत ज़्यादा कलेक्शन है साड़ी की, अगर आपको कभी देखना होगा तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना, मैं आप सबके लिए ज़रूर शेयर करूँगी। सो ये है साड़ी जो कि मैं अपने भाई की शादी के दिन पहनने वाली हूँ, ये पिंक और ग्रीन कलर की, ग्रीन नहीं कह सकते इसे, इसे जो तोता का जो रंग होता है वही कलर है,
कैमरा में बहुत ज़्यादा ही ग्रीन लग रहा है, बट इतना ज़्यादा नहीं, मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ, है ना। ये है इसका जो प्लीट्स होते हैं साड़ी के, वो प्लीट्स में आएंगी और बाकी बॉडी ऐसे ही है ये ग्रीन कलर की। तो मेरे ऊपर ये कैसे लगेगी ज़रूर बताना। और इसका भी मैंने ब्लाउज पीस सिलवा लिया है। मुझे ब्लाउज़ के इतने ज़्यादा आइडियाज़ हैं नहीं ब्लाउज़ की साड़ी के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पहनती नहीं हूँ ना, इसलिए आइडिया कम है। तो आप सब मुझे आइडिया दे सकिए, ब्लाउज़ ऐसे मैंने बनाया है इसको। ये है बैक साइड, ठीक है। हाथ मैंने छोटे ही बनाए हैं, इतना ज़्यादा बड़ा मुझे पसंद नहीं है। और ये रहा इसका फ्रंट, इसका फ्रंट, ठीक है। सो है ये वाला ब्लाउज है जो कि मैंने बनाया है। मैं अभी शादी में नहीं पहनने वाली हूँ, ठीक है। ये लग रहा है ब्लैक, बट ये पूरा ब्लैक नहीं है, ये नेवी ब्लू में है, नेवी ब्लू और पिंक में है, ठीक है। ये है प्लीट्स और ये है इसका बॉडी। तो लास्ट जो मैंने साड़ी दिखाया था वो एक्चुअली मेरे सास के लिए मैंने लिया है, बट वो तो शादी में नहीं जाएंगी, तो मैंने इसलिए सोचा कि ये ब्लैक वाला मैं नहीं, ब्लैक नहीं है, नेवी ब्लू है, बट स्टिल देख के तो लगता है कि ब्लैक जैसा है ना, इसलिए मैं वो नहीं पहनने वाली शादी में। शादी में मैं अपने सास के वाली ही साड़ी पहनने वाली हूँ, ठीक है। सो ये है बैक साइड, ये है फ्रंट, ठीक है। और घाघरा तो आप सब ने देखा ही है, मैं पूरा फुल ओपन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये ही है उसका डिज़ाइन, का दुपट्टा नॉर्मल है। ये है दुपट्टा, यहाँ पे लेस है और वैसे पूरा नेट का है। मेरा फेवरेट कलर है ये स्काई ब्लू है, बट वहाँ पे शायद देख के थोड़ा थोड़ा ग्रीन लग रहा होगा, है ना, बट नहीं ग्रीन नहीं है, ये पूरा स्काई ब्लू है। ज़रूर बताना कैसा लगा। तो ये है साड़ी शॉपिंग, ठीक है। ये है साड़ी शॉपिंग जो मैंने अपने भाई की शादी के लिए किया है। और एक चीज़ बाकी रहता है, वो मैं आप सबको अभी दिखाऊंगी, जो कि है भाई का शादी का कार्ड, वो भी मैं यहाँ से ही बनाई हूँ। तो चलो एक बार वो दिखा लेती हूँ, तो मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी बस मुझे अपना पैकिंग स्टार्ट करना है, क्योंकि हम निकल रहे हैं सैटरडे को, सैटरडे यानी कि 1 जुलाई को मेरे भाई के शादी के लिए। तो चलो अभी वो दिखा देती हूँ, उसके बाद इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। तो ये रहा मेरा भाई का कार्ड शादी का, सोच लिए अंदर क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बंगाली में मेरे भाई का, क्योंकि ये रिसेप्शन का कार्ड है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है बंगाली में बोधु बोरन। और यहाँ पे है मेरा भाई का नाम दिव्यन्दु और लड़के का नाम शीला, जो कि बंगाली में लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक कोट है रविंद्रनाथ टैगोर का, तो अगर आप बंगाली हो तो आप तो पढ़ सकते हो। यहाँ मेरा भाई का कार्ड, तो ये ऐसे देखो, देखो तो लगता है कि कलश के ऊपर पत्ते हैं, आम का पत्ता जो होता है, और यहाँ पे एक बटरफ्लाई है। तो इसे हम ऐसे ओपन करेंगे, ठीक है। ऐसे ओपन करेंगे तो ऐसा आएगा इसका लुक, ठीक है। तो कार्ड ऐसा बनाया है मैंने अपने भाई के लिए। तो कैसा लगा जरूर बताना। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट शादी के व्लॉग के साथ। और भी बहुत सारे काम हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो अगर आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और कमेंट में ज़रूर बताना कि और कैसे कैसे वीडियोस आप देखना चाहते हो, और भी कुछ अगर आपको जानना है तो मुझे ज़रूर से कमेंट करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय गाइज।